हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सुबह सुबह नुकसान हो गया बहुत तगड़ा। अभी हम जा रहे हैं एक्चुअली काशू के स्कूल, क्योंकि आज है पेरेंट्स मीटिंग और मैं ब्लॉग बना रहा हूँ अपने गोप्रो से। पता है क्यों? अभी दिखाता हूँ क्यों। काशू इधर आओ, ये देखो मेरा फोन है ना, उसकी स्क्रीन एक बार टूटी थी, अब दोबारा टूट गया। देखो दबा रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा, देख रहे हो। नुकसान हो गया यार भारी दोबारा सर इसमें। पता ये क्या होता है, जब भी मेरे साथ ऐसा, मेरे फोन आज तक नहीं टूटे। पहला फोन है जो दो बार स्क्रीन टूट गई मेरी, आज तक लाइफ में मेरे फोन की स्क्रीन नहीं टूटी आज तक। इतने जब इतना मतलब पता नहीं कब से, मैं 2004-5 से मेरा पर्सनल फोन है, आज तक स्क्रीन नहीं टूटी। बट ये ऐसा फोन है जिसकी दो बार स्क्रीन टूट गई, तो मेरे को इट्स टाइम टू चेंज द फोन नाउ। तो मैं अपनी बीवी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बर्थडे पे मुझे फोन दिला दे। तभी फिलहाल इसकी खराब हो गई स्क्रीन, तो पहले चलते हैं काशू के स्कूल, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग है, फिर चलेंगे क्योंकि हिमांशु लेके जाएगा शायद इसको, ठीक है ना। उसका कोई दोस्त है वो कर देगा, तो उसको बोलता हूँ। काशू गाइस को है नहीं बोला आपने, गुड मॉर्निंग नहीं बोला फिर मैं गोदी में आना। गुड मॉर्निंग कैसे बोलते हैं मैम को, गुड मॉर्निंग कैसे बोलते हो? गुड मॉर्निंग। आज अभी हम जा रहे हैं स्कूल पेटीएम में। ओए ओए हो गया, पापा के हाथ में आई है ना, पापा के हाथ में आई है। इतनी चलाक छतरी दे दो, इतनी चलाक है। मैंने बोला मेरे साथ में आई हो रही, इसमें तो नहीं है ना, मेरे आई हो रही बेटा काशु। आपकी पिट्टी हो सकती है अगर मैम ने आके कंप्लेंट करी तो, ठीक है? मैम ने मुझे काइट चाहिए। अच्छा देंगे, अभी देंगे, मैं लेके आऊंगा शाम को आपके लिए काइट लेके आऊंगा। और ये कौन है देखो, बाबा आ गया लेफ्ट में। माय गॉड, वो भी भागो भागो भागो, आइए राइट में लाना नहीं, अच्छा लाना नहीं होता, भागो। बाबा भाग गया, आपको आपने देखा ना बाबा को गुच्छे थे, वो भाग गया। क्या बोल रही थी मैम? खा रही थी पहले, बट कुछ दिन से नहीं खा रही, घर पे भी खाना खा रही। ऐसी गंदी बात है ना, आप खाना नहीं खाओगे तो आपके अंदर एनर्जी कैसे आएगी, फिर आप कृष्णा कैसे बनोगे बताओ? तो कृष्णा तो बहुत सारा मक्खन खाता है, बहुत सारा खाना खाता है, आप नहीं खाओगे तो कैसे बनोगे कृष्णा बताओ? बड़ा कैसे बनोगे आप भाई? इतना बड़ा कृष्णा बनने के लिए खाना भी तो पड़ेगा ना इतना सारा, तभी तो बड़े बनोगे आप। आप तो खाते ही नहीं हो। और आप मैम कह रही थी कि आप क्या है वो स्कूल में तो आप सारी पोएम सुनाते हो, हैं? स्कूल में आप सारी पोएम सुनाते हो और हमें तो सुनाते नहीं हो घर पे। हाँ तो कैसे था? गोल गोल पानी, मेरा भैया ला जा। तो भाई हम लोग घर आ गए पेरेंट मीटिंग से। अच्छा वाला वाली पोएम सुनाओ। गोल गोल पानी, गोल पानी, मेरी मम्मी रानी, पापा मेरे राजा। हेलो गाइस बोलो, कैमरा कौन देखे? हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो क्या बात हो जाएगा? भाई अभी हो रहा है टाइम 12 बज के, कितना टाइम हो गया एग्जैक्ट? 12 बज के जो भी मतलब 5-10 मिनट हो गया इतना। भाई तू गाड़ी चला, अरे वो तरह भाई टाइम उसमें नहीं है, 12:30 हो गए। तो भाई 12:30 हो गए एक्चुअली। फ़ोन मुझे आज मेरा दिन पूरा दिन बहुत बेकार गया, जैसे कि फ़ोन टूट गया था पहले। फ़ोन टूटने के बाद मैंने उस बंदे को ठीक करने के दिया, वो कह रहा भाई एक घंटे में ठीक हो जाएगा। 11 बजे फ़ोन दिया था बंदे ने, 6 बजे मुझे फ़ोन दिया, 6 बजे था ना तू आया था? 6:30 बजे मुझे फ़ोन दिया। और 6:30 फ़ोन देने के बाद भाई मैं लेट हो गया, क्योंकि आज मेरे को मैच खेलने जाना था। अभी हम मैच खेलने गए थे,
जीत गए वो अच्छी बात हुई, लेकिन मैं 3 रन पे आउट हो गया। और लेकिन एक एक अच्छी बात और हुई कि आज मैं पता है कितने सालों बाद, हम कितने सालों बाद मिले हैं, प्रदीप की शादी में मिले थे, प्रदीप की शादी के बाद भी मिले थे, नहीं मिले तो भाई प्रदीप की शादी का तो बच्चे हो गए, उसके तो दो दो बच्चे हैं, मतलब 5 साल तो हो गए कम से कम, मरे से मारा 5 साल से, हाँ 5 साल तो हो गए आराम से। मेरे कॉलेज का फ्रेंड है कुलदीप, आज मिला है मेरे साथ क्रिकेट खेलने गया था, ये देखो हेलो तो करते गाइस को। तो भाई हम लोग क्रिकेट खेलने गए थे, इस मैंने इसको बोला, मैंने कहा भाई तो मेरा मैं इसको लेके गया था जिस टीम से मैं खेलता हूँ, तो मैंने कहा भाई मेरा नाक मत कटवाइए, बंदे ने आज रन भी मारे मेरे से ज़्यादा, मैं तो 3 मारे, इसने 18 मारे, इसने 18 रन मारे और एक विकेट भी लिया है और बॉलिंग भी अच्छी करी, तो भाई ने मेरी लाज रख दी और पूरे बसोया समाज की लाज रख दी। भाई अभी मैं तो खैर पहुँचने वाला हूँ, इसको जाना भी दूर और घर जाएगा मेरे को छोड़ के, फिर चले जाएगा भाई घर। भाई मजा आया खेल के, कितने साल बाद खेला तूने? मेरे को हो गया कम से कम 7-8 साल बाद। 7-8 साल बाद तू मेरे को तो कह रहा था 6 महीने पहले खेला था। खेला खेलने जाते थे, बैटिंग फील्डिंग, फिर फील्डिंग करते थे। अच्छा खिलाते नहीं थे? खिलाते थे, मतलब फील्डिंग फील्डिंग खिलाते थे, बैटिंग आ जाइए और बॉलिंग भी आज करिए, लास्ट टाइम करी थी बॉलिंग उसमें। एक भाई ने एक छक्का मारा जबरदस्त छक्का, मतलब फ्लैट छक्का मारा जबरदस्त, मैंने इसी के बैट से खेला था, बैट नकली है, इसको बोलो बैट खरीदेगा अच्छा वाला। भाई खरीद लेंगे, चलो वो भी खरीद लेंगे, अभी थोड़ा सा हिसाब किताब ही चल रहा है, खरीद लेंगे वो भी, ठीक है। चलो भाई फटाफट घर पहुंच लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। भाई तो भाई पहुंच गए, सामान निकाल लो, बनवा लो, देख ले तेरा तो कुछ नहीं है इसमें, फोन तो ले लिया ना तूने, पर्स हाँ पर्स बैग में ना, चल ठीक है फिर मिलते हैं, ठीक है भाई, पानी पहुंच जाएगा, मैसेज कर दियो, चल ठीक है भाई। सो भाई जस्ट अभी नहा के मैं घर पहुंच के नहा गया हूँ, और नहाने के बाद अब मैं खाना खा रहा हूँ, एक्चुअली खीर है तो जस्ट खीर ही खाऊंगा, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, 1:45 हो गया है, मतलब 12:45, तो ज़्यादा कुछ हैवी नहीं खाऊंगा, खीर से काम चलाऊंगा। और वैसे यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स भी पड़े हैं तो वो डाल देखता हूँ खा लूँगा अगर, तो इसके बाद भूख लगेगी तो वैसे यही खा के सो जाऊँगा, भूख लगती है बहुत तेज, ये खा के फिर सो ही जाऊँगा। तो पर आज का दिन ना यार सीरियसली बहुत बेकार गया, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता बट बहुत सारी चीज़ें ना गड़बड़ होती जा रही है, बहुत सारी चीज़ें, तो भगवान करे कि जल्दी से वो ठीक होती जाए और पॉजिटिव की तरफ चलती जाए, तो लेट्स सी होपफुली। सो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल में नए सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।